देखा जाए तो पहला ये ओवर और बिल्कुल नियमों के अनुसार इस प्रतियोगिता के पहला ओवर रहेगा जो कि कंपलसरी पावर प्ले। इसका मतलब बॉलर के पास सिर्फ दो खिलाड़ी रहेंगे 30 यार्ड सर्कल के बाहर, और ऐसे प्रतिकूल स्थितियों में अपने बेस्ट बॉलर, अपने ब्रह्मास्त्र को पहले ही ओवर में यहां पर इन अटैक लाया गया है। गणेश कलंगुटकर को पहली गेंद पर निकला एक रन और रब स्ट्राइकर्स एंड पर अनिकेत देसाई उनका ट्रेडमार्क पनामा कैप पहनते हुए। इस बार पहली गेंद पर यहां पर स्लॉग स्वीप नीचे खिलाड़ी और पहली गेंद पर व्हाट अ वे टू गेट ऑफ द मार्क, अनिकेत देसाई गोस बिग। पहली गेंद पर बड़ा शॉट निकला है एक लंबा छक्का। फ्रंट फुट शॉट्स बिल्कुल हमने बॉल बैटिंग की ओर से जो इनका वो ट्रेडमार्क शॉट है स्लॉग स्वीप का, और अपना फेवरेट शॉट पर ही पहली गेंद पर विश्वास जताया और उस विश्वास पर खरे भी उतरे। स्कोरबोर्ड 7 पर। फिर एक बार शायद ये अपील की गई है रन ले या ना ले, बिल्कुल इस डिलेमा में डबल माइंडसेट में, लेकिन यहां पर रन लिया नहीं। बिल्कुल जैसा मैंने कहा था फ्रंट फुट पर खेलना ये खिलाड़ी बहुत पसंद करता है, स्लॉग स्वीप और उसके साथ पेडल स्वीप, ये इनके दो ट्रेडमार्क शॉट्स है। और फिर एक बार स्वीप का प्रयास, लेकिन इस बार कमबैक किया है। ये गेंद गई गणेश कोंगटकर के पक्ष में, गेंद गई टॉट। इस बार डिफेंसिव स्ट्रोक बिल्कुल इसे कहते हैं अनुभव। इस ओवर में एक बड़ा शॉट अपने बल्ले से निकाल चुके हैं, तो अब सम्मानजनक ही खेलेंगे यानी कि देसाई एक रन बना स्कोरबोर्ड जो कि पहुंचेगा 8 रन स्कोरबोर्ड पर। गणेश कलंगुटकर अगर इस टीम की ओर देखा जाए तो बिल्कुल एक बढ़िया बैटिंग लाइनअप भी इनके पास, सर्वेश नायक भी जरूर आने वाली ओवर्स में हमें दिखाई देंगे खेलते हुए। बॉलिंग मार्क पर उनका भी ओवर बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। लोअर फील्ड टॉस डाउन द ग्राउंड, फील्डर मौजूद है वहां पर मयूरेश, और जब तक वो करेंगे फील्ड थोड़ा सा पर फंबल हुए जरूर, और तब तक यहां पर दो रन आसानी के साथ बनेंगे। बिल्कुल ये बढ़िया कोऑर्डिनेशन है बल्लेबाजों के बीच में, बढ़िया तालमेल। स्कोरबोर्ड जो कि पहुंचे उसी के साथ 1-0, 10 रन ऑन द स्कोरबोर्ड। ओवर की रहेगी आखिरी गेंद, इस बार डाउन द बनाने का प्रयास किया था ऑन साइड पर, ये कैच छूटा है, ये कैच छूटा है प्रसाद केनेकर का। क्या ये कैच महंगा पड़ेगा आने वाले ओवर से, सवाल का जवाब देंगे जरूर। इसी के साथ खत्म होता हुआ पहला ओवर, पहली ओवर की 6 गेंदे समाप्त। स्कोरबोर्ड जो कि पहुंचा 11 रन ऑन द स्कोरबोर्ड। उसमें से जो एक बड़ा शॉट था वो अनिकेत देसाई का, बिल्कुल उनका फेवरेट शॉट स्लॉग स्वीप का, बिल्कुल गया मिड विकेट के सर के ऊपर से, और उसी के साथ सिंगल डबल पर जो कि यहां पर विश्वास जताते हुए प्रसाद केनेकर। इनके पास बिल्कुल क्षमता है बड़े शॉट लगाने की। आने वाले कि 5 ओवर्स का खेल बाकी, और उसी के साथ दूसरा भी ओवर रहेगा पावर प्ले का। बिल्कुल जो इशारा अब ऑफिशियली आ चुका है हमारे ऑफिशियल्स की ओर से, किशोर भगत सर उनके साथ बिल्कुल नाइक सर स्कोल अंपायर के रोल में, और ये क्रूशियल ओवर बिल्कुल जिस खिलाड़ी का नाम लिया गया था सर्वेश नायक लेकर आएंगे दूसरा ओवर। इस टीम का बिल्कुल ये एक की प्लेयर है, एक बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी इस टीम का, चाहे वो बैटिंग हो या बॉलिंग। और अगर बात करें उनके फॉर्म की तो बिल्कुल इस सीजन में बिल्कुल बढ़िया फॉर्म में, हर प्रीमियर लीग में अपना 100% योगदान दिया है इस खिलाड़ी ने, चाहे वो बैटिंग हो या बॉलिंग हो। तो इस ओवर में किस प्रकार से रन बनेंगे, इस ओवर में क्या क्या घटनाएं घटेंगी। पहला गेंद, पहली गेंद पर सफल हुए और एक लंबा छक्का निकला है डीप स्क्वायर लेग सीमा के ऊपर से। प्रेडिक्ट किया था गेंद कहां पर गिरेगी, बिल्कुल यहां पर स्टंप्स के लाइन पर सफल हुए, और उसके साथ एक लंबा छक्का सीधा डीप स्क्वायर लेग के सर के ऊपर से, और गेंद गई यहां पर 6 रनों के लिए। स्कोरबोर्ड बनता हुआ 1-7, 17 रन स्कोरबोर्ड पर। क्लैश ऑफ द टाइटंस, रति मारति धुरंधर एक दूसरे के सामने, पहली गेंद पर जीत होती हुई प्रसाद केनेकर की।
डिफेंसिव स्ट्रोक है, ये सही क्रिकेट है। इस बार नॉन स्ट्राइकर से बढ़िया का थ्रो कर दिया आपने, बिल्कुल दो विकेट्स के बिल्कुल बीच में शायद से अपना संतुलन बरकरार रखने की कोशिश की थी और उसी कोशिश में यहां पर थोड़ी सी गलत जगह पर थ्रो कर बैठे, लेकिन फायदा तो हुआ है यहां पर। रनिंग बिटवीन द विकेट्स में पीछे नहीं हटने वाले ये दो खिलाड़ी। स्कोरबोर्ड जो कि बना 1990 रन स्कोरबोर्ड पर, बिल्कुल अच्छा माइंडसेट यहां पर। एक बड़े शॉट के साथ शुरुआत और दूसरी गेंद पर बिल्कुल डिफेंसिव स्ट्रोक, दरमियान दो रन बने पिछली गेंद पर। बिल्कुल बढ़िया गेंद, इससे कहते हैं अनुभव। पहली दो गेंदें बिल्कुल जो खराब डाली थी, लेकिन इस बार सीधा ब्लॉक हुए पर, और जब गेंद इस लाइन पर आती है तब सिर्फ खिलाड़ी एक ही काम कर सकते हैं, गेंद को रोकना। तीन गेंदें हो चुके समाप्त। बड़ा शॉट इस बार, ओवर कवर्स किया, वन बाउंस या डायरेक्ट, ये सीधा रोप्स पर गिरी है गेंद, सीधा रोप्स पर गिरी है गेंद। बिल्कुल यहां पर सीधा बाउंड रोप पर यहां पर गेंद गिरी है, बिल्कुल अंपायर आपका इशारा बिल्कुल सही है, छह रनों का। टाउन दिलेक साइड और सिर्फ एक रन यहां पर। इसी के साथ स्कोरबोर्ड जो कि आगे बढ़ता हुआ 26 रनों पर। ये ओवर बिल्कुल महंगा घटता हुआ, दो बड़े शॉट निकले और बिल्कुल प्रसाद किनवेकर ने, जो कि अगर उनका वैगन व्हील देखा जाए अब तक, तो एक बड़ा शॉट लेग साइड पर और इस बार इनसाइड आउट, ओवर कवर्स, बिल्कुल यहां पर एक्स्ट्रा कवर के सर के ओवर से वो शॉट मारा था। आखिरी गेंद रहेगी और सामना करेंगे अब अनिकेत देसाई। इस बार लॉल फोर टॉस गेंद थी माना चाहते थे जो कि कवर्स के सर के ऊपर से, लेकिन इस बार गेंद सिर्फ एक रन के लिए जाएगी। इसी के साथ एक और महंगा ओवर, दो ओवर से खेल समाप्त। स्कोरबोर्ड जो कि पहुंचता हुआ पर ओवर 13.5 का रन रेट, 27 पर स्कोरबोर्ड पहुंचता हुआ। अगर पहले ओवर की बात की जाए तो अटैक ओपन किया था निकेत देसाई ने, 11 रन बने थे पहले ओवर में गणेश कलंगुटकर के, और सर्वेश नाइक टीम के स्ट्राइक बोलर पर भी अगर आपने दबाव बनाया तो बिल्कुल वो दबाव फैलेगा बाकी के गेंदबाजों पर, लेकिन इस बार उस दबाव को यहां पर बीट करना पड़ेगा। वो जो दबाव बनाया है अनिकेत और प्रसाद किनवेकर ने, उस दबाव को अगर बीट ना किया गया तो बिल्कुल एक बड़ा टारगेट आपकी राह देख रही है। उनके पास क्षमता है, गेंदबाजी है आपके पास, सर्वेश नाइक कमबैक कर सकते हैं, उसी के साथ गणेश भी बिल्कुल बड़े तरीके से कमबैक के लिए जाने जाते हैं, और अब नए गेंदबाज ओमकार बांदिवडे कराएंगे अपने बॉलिंग मार्क पर। एक और ऑलराउंडर खिलाड़ी यहां पर, अरे देसाई की अगर बात की जाए तो यहां पर बिल्कुल बढ़िया बैटिंग उनके ओर से। स्कोरबोर्ड जो कि पहुंचता हुआ 27, ओमकार बांदिवडेकर अब जो कि आप निर्बंध हटा सकते हैं। अब आपके पास पांच खिलाड़ी रहेंगे 38 सर्कल के बाहर, आपका डिसीजन है आप वो कहां लगाएंगे। अगर देखा जाए तो बिल्कुल यहां पर स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी थोड़ा सा बैकवर्ड डीप मिड विकेट पर है, वाइड इज लॉन्ग, वाइड इज लॉन्ग ऑन, उसी के साथ लॉन्ग ऑफ और एक कवर्स में। इस बार डाउन द ग्राउंड आए नीचे खिलाड़ी, क्या विकेट है, जी हाँ बिल्कुल, इसी के साथ निकलता हुआ पहला विकेट, स्टेपिंग डाउन द ग्राउंड, लेग साइड पर गेंद को पुल किया था, अनिकेत देसाई से मिला है छुटकारा यहां पर। पहली गेंद पर भेजा है बैक टू पवेलियन, क्यों कहा जाता है इस टीम को कमबैक किंग, ओमकार ने इस सवाल का जवाब दे दिया। वापिस जाएंगे अनिकेत देसाई बैक टू पवेलियन एक बड़े शॉट के साथ, स्कोरबोर्ड जो कि बनता है 27 अब जो कि एक विकेट के नुकसान पर। विनंती करतो आरवी लेवन कोरगाव संघ आपला 12th मंथ ग्रुप आपण कमेंट बॉक्स कडे पाठवायचा आहे। आरवी लेवन कोरगाव
नए बल्लेबाज साहिल कांबळी होमकर बांदिवडे कर ने यहां पर पहली गेंद पर सफलता प्राप्त की है अपनी टीम के लिए बिल्कुल। लेकिन दूसरी ओर से जो ताबड़तोड़ बैटिंग जारी है प्रसाद की ओर से, क्या उस पर रोक लगा पाएंगे नए बल्लेबाज स्ट्राइकर्स एंड पर साहिल कांबळी। पहली गेंद यहां पर वाइड श्रीवर्कर और उसी के साथ एक रन पहली गेंद पर स्कोर जो कि आगे बढ़ेगा 28 रन। यहां पर रन रेट जो बिल्कुल शुरू है, अगर वो रन रेट की अगर ध्यान में रखें तो बिल्कुल यहां पर प्रोजेक्टेड स्कोर यहां पर बिल्कुल 70-75 के आसपास बन सकता है। बस वो जो मोमेंटम है उसे रखना जारी। फिर एक बार पुल किया है नीचे खिलाड़ी, एक और विकेट क्या है? जी हां बिल्कुल ये है विकेट। प्रसाद किनवेकर को भी यहां पर जाना पड़ेगा बैक टू द पवेलियन। एक ही ओवर में दो बड़े बिल्कुल यहां पर मछलियां जाल में फंसाई है ओमकार ने। पहले निके देसाई पहली गेंद पर, दूसरी गेंद पर सिंगल, तीसरी गेंद पर पुल करने का प्रयास, लेकिन वो रह गया अनसक्सेसफुल। दो बड़े शॉट्स के साथ जिसने बिल्कुल आगाज किया था अपनी इनिंग का वो बल्लेबाज प्रसाद जाएंगे बैक टू द पवेलियन। जगह लेने के लिए प्रसाद किनवेकर की अगर देखा जाए तो क्या यही वो कमबैक ओवर, क्या यही वो ब्रेक थ्रू ओवर है जो चाहिए था हिरोडा स्पोर्ट्स की टीम के लिए? क्योंकि जो अटैक ओपन जारी था पहली गेंद पर से अटैक जो किया था यानी कि देसाई ने बिल्कुल शायद वो महंगा पड़ सकता, लेकिन जो दो खिलाड़ी पहली ही ओवर से यहां पर बैटिंग कर रहे थे उन्हें वापिस भेजा है ओपनिंग जोड़ी पैक्ट पवेलियन जा चुकी है। इस बार बिल्कुल बढ़िया शॉट वहां पर, एक रन तो मिलेगा। ये खराब थ्रो है, इस पर आपके पास बैकअप भी नहीं था। फिर एक बार डायरेक्ट हिट करने का प्रयास, लेकिन बैट्समैन पहुंच चुके अपनी रिस्पेक्टिव क्रीज में बिल्कुल सुरक्षित। इसी के साथ स्कोर बोर्ड आगे पहुंचा 30 runs 3-0। इस ओवर में अगर देखा जाए तो अब तक यहां पर 3 रन बन चुके हैं। दो गेंदों का खेल बाकी इस ओवर में। इस बार ऑफ साइड पर गेंद को कट किया है, विकेट लेने का प्रयास यहां पर अंपायर के पास, जरूर यहां पर पलटेंगे विकेट कीपर, लेकिन यहां पर सेफली पहुंच चुके हैं बल्लेबाज। और उसी के साथ सनम का ये एक रन, बिल्कुल ये बढ़िया ओवर जहां पर सर्वेश और गणेश थोड़े से कम पड़ गए वहां पर ओमकार ने काम कर दिया। रिवर्स स्वीप शॉट, गेंद जरूर यहां पर जाएगी, अंपायर का इशारा क्या आएगा? बिल्कुल एक हाथ लहरा रहा है पैरेलल टू द ग्राउंड, रिवर्स स्वीप, परफेक्ट टाइमिंग, एक्सक्विजिट कनेक्शन, और उसी के साथ रन मिले हैं 4। स्कोरबोर्ड जो कि आगे बना 35 रनों पर इस ओवर में कुल है जो कि 8 रन। इसका मतलब जो मोमेंटम बरकरार रखा था अनिकेत और प्रसाद ने उसी मोमेंटम को जारी रखने का काम किया है। 3 ओवर्स का खेल समाप्त, स्कोरबोर्ड जो कि बन चुका है 35। आने वाले 3 ओवर्स में बिल्कुल सुनते हैं आवाज मैन फ्रॉम वेंगुर्ला योगेश परब का। ओवर टू योगेश, थैंक यू। तीन षटकांचा खेळ समाप्त झाला आहे मैदानावर, दिमाखात सुरुवात केली मैदानाडाफेक हरल्यानंतर आरपी लिंबत कोरगाव संघानं 35 धावपलकावर सर्वेश संचाला हलक्या हाताने खेळून काढण्याचा प्रयत्न मैदानावर। सरमचा मिस टायमिंग फटका होता, नशिबाची साथ होती मैदानावर। सांघिक धावपलक धावपलकर अनिकेत देसाईने जलवा केला मैदानावर। प्रसाद सुजक या ठिकाणी साहिल माघारी परतलाय, कोलवा टप्प्या चेंडू सुंदर फटका मैदानावर, त्यावरून तोलाबळाचं सुंदर क्षेत्ररक्षण कर्णधाराचं परतीची फेक या मैदानावर, ह्या चुका झाल्या आहेत आणि या चुकांची भरपाई येणाऱ्या कालखंडामध्ये निरवडे संघाला भोगावी लागेल की काय? 2 धावेनं सांघिक धावपलक धावपलकावर
38 धावा धावपलकावर, षटक क्रमांक चौथा आहे प्रगतीपथावर 38 धावा धावपलकावर लेखा जो का आपण पाहतोय, सहा षटकांचा सामना आणि या मैदानावर सहा षटकात 70-75 धावा पाहिजेत। खराब चेंडू शॉर्टम पुल या मैदानावर, एक धावसंख्येसाठी फटका पाहायला मिळतोय, एक या धावसंख्येने सांघिक धावपलक धावपलकावर। आज अनुष केरकर, महेश बाहेडकरची कमी आहे, आरविलन कोरगाव संघाच्या कोट्यामध्ये अनिकेत देसाईने सुरुवात दिमाखात केली, अनिकेत आणि प्रसादनं साहिल लवकर माघारी परतला आणि सनम आणि प्रसाद ही जोडी मैदानावर। पुढे सर्वात सुंदर फटका बॅक टू द बॉल स्ट्रेट देत ना फटका, क्षेत्ररक्षक चेंडूची शर्यत आणि चेंडू सीमारेषेबाहेर चार धावांसाठी। चालू असलेला सामना गोवा राज्यातील तगडा संघ आरवी इलेव्हन कोरगाव विपक्ष सावंतवाडी तगडा संघ निरवडे संघ। बॅकफुटला जाऊन स्क्वेअर कटचा फटका टोलवायचा होता संघाचा स्टारकाश गोलंदाज मैदानावर सर्वेश नाईक। हा गोलंदाज सुंदर पद्धतीने मोठमोठ्या स्पर्धांमध्ये व्यावसायिक क्रिकेट स्पर्धेत खेळताना पाहायला मिळतो, फिरकीचा जादूगार आहे, कित्येक किताब देणाऱ्यावर आहे उत्कृष्ट गोलंदाजाचे तो गोलंदाज आपण पाहतोय। पुन्हा एकदा त्याच पद्धतीचा रिप्ले पाहायला मिळते मैदानावर, बॅकफुटला जाऊन फटका टोलवायचा होता सर मंडारकरला, सलगचे दोन चेंडू निर्धाव, चार षटकांचा 24 चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय आणि 24 चेंडूच्या समाप्तीनंतर सांघिक धावपलक धावपलकावर 43 धावपलकावर उर्वरितचे 12 चेंडू आहेत आणि उर्वरितच्या 12 चेंडूंवर या स्लॉग ओव्हर मध्ये हे आक्रमण पसंत करायला येणाऱ्या कालखंडामध्ये आक्रमण आणि आक्रमण हे पसंत करावं लागेल मैदानावर आणि आक्रमणापासून या मैदानावर निरवडे कावला एक नवीन पाहुणे मिळाले आहेत। टेनिस क्रिकेट विश्वामध्ये वेगावर स्वारोहण गोलंदाजी करणारा ज्यानं इन्सुलीच्या हल्लीच्या मौसमामध्ये प्रीमियर लीग गाजवली आहे तो गणेश चोडणकर आपल्याला पाहायला मिळतो आमच्या मान्यवर कक्षाच्या, गणेश करंगुटकर आपल्याला पाहायला मिळतो आमच्या मान्यवर कक्षाच्या एनकंडम। त्या गणेशनं सुंदर गोलंदाजी आहे, गणेशकडे फलंदाजी आहे, आज कार्य करावं लागेल कारण आज या मैदानावर एका मोठ्या संघासमोर खेळतोय। आरविलन कोरगाव संघानं गेल्या आठवड्यात दाभोलकर ब्रदर्सशी 2 लाखाची ट्रॉफी करंडक उचललाय, मॅन ऑफ द सिरीज चव्हाणकरी महेश बायडकर टू व्हीलर त्याला मिळाली आहे पसिनो, क्षेत्ररक्षक आलाय मैदानावर। एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावपलक धावपलकावर सरम भंडारकरकडे अनुभव आहे त्याच्याकडे, त्याच्याकडे मात्र या ठिकाणी जास्तीत जास्त जणू सनमनं प्रेस करावे, चार मोठे फटके टोलवावे हे इरादे आहेत मैदानावर आरवी इलेव्हन कोरगाव क्रिकेट संघाचे। तर दुसऱ्या बाजूने या मैदानावर प्रतिस्पर्धी संघाला रोखून ठेवण्यासाठी आपण शर्तीचे प्रयत्न करू हा गणेश करगुटकर सज्जाला आमच्या मान्यवर कक्षाच्या एनकंडम। गती परिवर्तन, फटका मिस टायमिंग आहे आणि साधा सोपा लॉलीपॉप पद्धतीचा झेल सोडलाय सनमचे, ज्या ज्या वेळी झेल सुटले त्यावेळी सरमनं गोलंदाजांवर फक्त हल्लाबोल पसंत केला, गणेश करंगुटकरनं काम केलं होतं आणि डीप स्क्वेअर लेगला साधं सोपं झेल सोडलाय। गजानन या मैदानावर चूक केली, मित्रांनो मी वारंवार आपल्याला सांगितलंय आपल्याला आता हात जोडून कळकळीची विनंती आहे कॉमेंट्री बॉक्स मधून, फटका स्विजिटचा सरळ बॅटनं धावा येत होत्या, काहीतरी नाटक परिवर्तन करण्याचा प्रयत्न प्रसादचा आणि माघारी परतावं लागलाय। संघाचा प्रतिनिधित्व करणारा खेळाडू आरवी कोरगावसाठी उभरती पाहू लागलाय तो खेळाडू मैदानावर, कोरगावचा नितेश कांबळी उभरते सीतारामने मैदानावर पाऊल अजमावले आहेत, ज्या आपण वाहनं जे रस्त्यावर पार्किंग केली आहेत मित्रांनो ती वाहनं थोडी पार्किंग ज्या ठिकाणी व्यवस्थित आपलं ठेवलेली आहे मान्यवर कक्षाच्या मागे ज्या ठिकाणी गाड्या पार्क करा कारण मोठ्या गाड्यांना येता जाता कुठचाही अडथळा येणार नाही याची दक्षता घ्या कारण तुमच्या सहकार्याने ही सुंदर स्पर्धा आपण पाहतो या गिरुबा मित्रमंडळ आयोजित गिरुबा चषकाच्या माध्यमातून आणि तुमचं लाख मोलाचं सहकार्य हे पहिल्या दिवसापासून अंतिम क्षणापर्यंत असंच राहू दे यासाठी आम्ही आशा अपेक्षा बाळगतोय। प्रसाद माघारी परतला, उजव्या हाताच्या फलंदाजाला एक खेळपट्टी पोषक आहे पण नवीन करण्याचा प्रयत्न, स्विजिटचा फटका टोलवायचा होता लागला तर आभात नाही तर बर्बाद अशा फटक्याचं विवरण मैदानावर, प्रसादचे चेंडू पळीतून झालाय आणि गणेशने मैदानावर अजून एक ब्रेक तो लावून दिलाय। आल्या आडव्या बँड फटका टोलवायचा होता, मिस टायमिंग फटका, नो बॅट स्लॅन्ड मध्ये पहिला मिळतो, रक्षक होता तो शरद बांदेवडेकर, एक या धावसंख्येनं सांघिक धावपलक धावपलकावर 46 धावपलकावर 46 धावा धावपलकावर नितेशची एक ही धाव खाद्य खोलले मैदानावर, सदमला मिळालेलं जीवदान आणि जीवदानाचा फायदा उठवावा लागेल
गजाननला वाटलं होतं साधं सोपं झेलाय लॉलीपॉप पद्धतीचं, आपण टिपणार सेलिब्रेशन करणार, आधी सेलिब्रेशन की आधी झेल, झेल जमनीला दान झालाय. सुंदर पटका जमनी लगाचा डी फलंद कार्पेट सर्वेश आला आमच्या स्क्रीनवर. प्रतीची फेक एकेरी धावसंख्येची लहर, एक या धावसंख्येने सांघिक धावफलक धावफलकावर आपण पाहतोय. 47 धावा धावफलकावर येणाऱ्या कालखंडामध्ये लॉक ओव्हरमध्ये सदम भंडारकरची जर बॅट मधून मोठे फटके आले तर गजाननची दिलकी धडकन वाजायला सुरुवात होईल मैदानावर. गती परिवर्तन शॉर्ट टर्म पुल या मैदानावर गजानन स्क्रीनवर. आता मात्र कुठचीही चूक करत नाही आहे गजाननं, काम केलंय मैदानावर. साधा सोपा झेल सोडलाय पण कठीण झेल. चेंडू बाहेर जातोय, चेंडू सी मारेशे बाहेर. सहा धावांसाठी मित्र, थोडं अगोदरच सांग ना. सहा धावांसाठी स्पोर्टमॅनशिप दाखवले गजानन आणि सांघिक धावपलक धावपलकावर सहा या धावसंख्येनं 53 धावा धावपलकावर. स्लॉक ओव्हरचं षटक आणि स्लॉक ओव्हरमध्ये समोर आहे एक जीवदान ज्याला बहाल झालाय तो खेळाडू सरम भंडारकर. नितेश कांबळीनं आक्रमण केला गणेश करंगुटकरवर शेवटच्या चेंडूवर आणि वर्ढे लागली आहे गोलंदाजाची. पियुष बर्डे हा उभरता अजून एक सितार आहे, हे नवीन चेहरे पाहायला मिळते निरवडे संघाच्या कोट्यामध्ये. समोर अनुभवानं परिपक्व असलेला सरम बघूया येणाऱ्या कालखंड कशी फलंदाजी करतोय. पियुष शॉर्ट पिच प्रकारच्या चेंडू आक्रमण करणारा फटका वेगानं आलाय स्क्रीनवर. एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावपलक धावपलकावर 54 धावा धावपलकावर. उर्वरितचे 5 चेंडू शिल्लक आहेत. उर्वरितच्या 5 चेंडूंवर 2 मोठ्या फटक्यांच्या शोधात आरवी इलेव्हन कोरगाव संघ आहे, तर एका मोठ्या फटक्यापासून वाचायचं आहे मैदानावर निरवडे संघाला. आणि याला माफी नाही आहे मैदानावर, चुकीला माफी नाही, कारण खराब चेंडू आणि खराब चेंडूवर सुंदर फटका सहा धावांसाठी. नितेश कांबळी ऑन फायर. फलंदाजी करतोय अनिकेत देसाई. प्रसादची एक सुरुवात साहिलजी त्याला 7 मैदानावर आणि सनम आणि नितेश आता मैदानावर. आक्रमण आणि आक्रमण पसंत केलं मैदानावर नितेश कांबळीनं. पुन्हा एकदा ओव्हर पिच पद्धतीचा चेंडू मैदानावर एक नेत्रदीपक पद्धतीचा फटका. चेंडू सीमा रेषेबाहेर 7 धावांसाठी. आरबी कोरगाव संघ या मैदानावर गोवा राज्यातील तगडा संघ म्हणून का आपल्याकडे नजर असतात हे सिंधुदुर्ग वासियांना आपल्या शिरोडा गावाने दाखवतोय. आणि 6 या धावसंख्येनं सांघिक धावपलक धावपलकावर 72 धावा धावपलकावर. सोडून दिला तो चेंडू पण सांगतायत वाईट यॉर्कर करण्याचा प्रयत्न होता, रुळायचा होता चेंडू, मारण्याचा होता, निर्धाव चेंडू होतोय. 4 चेंडूंचा खेळ समाप्त झाला. सांघिक धावपलक धावपलकावर 72 धावा धावपलकावर. गती परिवर्तन केलं होतं मैदानावर शैरेश चेंडू थोडस आणायला आवाज येतो लेगबाईच्या स्वरूपात. एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावपलक धावपलकावर 73 धावा धावपलकावर. येणाऱ्या कालखंडामध्ये षटकाची या मैदानावर झाली आहे सांगता. सांघिक धावपलक धावपलकावर 73 धावा, 74 धावसंख्येचा पाठलाग करायचा आहे तो येणाऱ्या कालखंडामध्ये. निरवडे संघाला दारोमदार असेल या मैदानावर ओमकार, त्याच्या साथीला या मैदानावर शरद भांडिवडेकर आणि उर्वरितच्या फलंदाजांना आता मात्र कार्य करावं लागेल येणाऱ्या कालखंडामध्ये या 74 धावांचा पाठलाग.
धन्यवाद। योगेश तो ले चलते फिर एक बार मैच के अंदर। नीतेश कांवड़ी और सनम भंडारकर का ये बोल बाल रहा है, बिल्कुल जैसा मैंने कहा था अगर मोमेंटम वही बरकरार किया जाए जो इनके देसाई और प्रसाद किनवेकर ने जारी किया था पहली ओवर से, उस मोमेंटम को तोड़ने नहीं दिया यहाँ पर सनम और नीतेश ने, और उसी की बदौलत यहाँ पर इस मुकाम तक पहुंची है। स्कोरबोर्ड के कुल बना है 73 रनों तक ये टीम पहुंची है और 74 रनों का पीछा एक बिल्कुल बढ़िया रिस्पेक्टेबल टारगेट यहाँ पर रखा है सामने वाली जो कि टीम पर। चौतरनों का यहाँ पर पीछा करना है और ओपनिंग पैर में यहाँ पर जो कि आते हुए एक ओर गणेश कलंगुटकर और दूसरी ओर शरद बांदिवड़ेकर। शरद बांदिवड़ेकर बिल्कुल यहाँ पर नजर रहेंगे इस खिलाड़ी पर, एक ऐसा खिलाड़ी अगर यहाँ पर अपने पैर जमाए तो बिल्कुल मैच को खत्म ही करके जाएंगे। बहुत बार अपनी टीम को बिल्कुल यहाँ पर अच्छी शुरुआत देने के लिए जाने जाते हैं और वही शुरुआत का काम यहाँ पर करना होगा इस इंपोर्टेंट मैच में। और अगर उनके सामने अगर देखा जाए तो एक तगड़ा बॉलिंग लाइनअप है। एक और देखा जाए तो नीतेश कांबड़ी ने जिस बैटर ने बिल्कुल बढ़िया बल्लेबाजी की, 4 छक्के जड़े अपने इंडिविजुअल स्कोर कार्ड में, 25 रन जोड़े, वो सिर्फ बढ़िया बैटिंग नहीं तो बिल्कुल अच्छी बॉलिंग भी करता है, एक परफेक्ट ऑलराउंडर जिसे हम कह सकते हैं नीतेश कांबड़ी। इसका बिल्कुल ओवर आएगा, यहाँ पर कमी महसूस हो रही है मैडी की, बिल्कुल आज मैडी इस टीम में दिखाई नहीं दे रहे, शायद उसका भी यहाँ पर थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ेगा बैटिंग हो या फिर बॉलिंग, लेकिन फिर भी यहाँ पर उनकी गैर हाजिरी में यहाँ पर बिल्कुल बढ़िया बढ़िया तरीके की यहाँ पर बैटिंग की है यहाँ पर। और आज खुद टीम के ओनर भी अपनी टीम के साथ खेलेंगे, इसे कहते हैं लव टुवर्ड्स क्रिकेट, क्रिकेट इस खेल के लिए प्यार। बिल्कुल यहाँ पर टीम के ओनर तो है ही विनोद जी हरमलकर, और अब टीम के ओनर का भी रोल अदा करेंगे और टीम के खिलाड़ी का भी, तो देखते हैं किस प्रकार से किया जाएगा इस मैच का अंजाम क्या होगा, इस मैच का नतीजा। बिल्कुल एक फाइटिंग टोटल रिस्पेक्टेबल रन चेज यहां पर देखने को मिलेगी, दोनों ही अंपायर्स यहां पर सेट है, किशोर भगत सर, नाना नाइक सर, कमेंट्री बॉक्स में मैं दीप आरोंदेकर, मेरे साथ योगेश परब के साथ आप ये मैच बिल्कुल घर बैठे आराम के साथ देख सकते हैं अपने मोबाइल और टीवी स्क्रीन्स पर, थैंक्स टू गौरव सावदर उनकी पूरी टीम, डिजिटल स्कोरर प्रथमेश परब और हमारे दो कैमरामैन विघ्नेश दुए और प्रीतम मस्कर, ये पूरे ने क्रिएट किए टीम। और इसी के साथ हियर गोज द वेव, अंपायर का इशारा, लेट्स बिगिन। नीतेश कांबड़ी ओपन करेंगे बॉलिंग डिपार्टमेंट में, पहली गेंद शरद के लिए, पहली गेंद पर उठाकर खेला है शॉर्ट पिच गेंद, नीचे खिलाड़ी और बन के रह गए दर्शक, 74 रनों का पीछा, शुरुआत किया है एक बड़े शॉट के साथ नीतेश कांबड़ी को बिल्कुल उनके ही स्टाइल में स्वागत करते हुए 6 रनों के साथ इजाफा होता हुआ स्कोर बोर्ड का। नीतेश कांबड़ी के ऊपर बिल्कुल यहाँ प्रोटेक्ट जारी, बिल्कुल कहा था ये ऐसा खिलाड़ी है अपनी टीम के लिए अच्छी स्टार्ट देने के लिए जाना था, नवाजा जाता है और पहली गेंद पर वो साबित भी करते हुए। फिर एक बार डाउन द ग्राउंड, क्या डिस्टेंस कवर किया है गेंद ने, जी हाँ बिल्कुल किया है, ओवर कवर्स मारने का प्रयास किया था और उसके साथ वाइडिश लॉन्ग ऑफ के सर के ऊपर से फिर एक बार अंपायर्स को मजबूर किया है दोनों हाथ लहराने में हवा की दिशा में, स्कोर बोर्ड जो कि पहुंचा 12 रनों पर। नीतेश कांबड़ी पर अटैक ओपन, अगर उनके पहले ही ओपनिंग गेंदबाज पर अटैक किया है तो बिल्कुल बाकी के गेंदबाजों पर भी दबाव बनेगा, जो दबाव बनाया था अनिकेत देसाई और प्रसाद किनवेकर ने पहली इनिंग में गणेश और सर्वेश के ऊपर, बिल्कुल उसी अंदाज में उन सभी सवालों का जवाब देते हुए शरद पहली दो गेंदों पर।
फुल टॉस गेंद थी इस बार चूके, एक बहुत ही तेज तर्रार गेंद थी, पिछली दो गेंदें बिल्कुल यहां पर रीडेबल थी, लेकिन इस बार ये गेंद सीधा स्टंप्स पर जाने वाली, बिल्कुल सुपर लाइन पर ये गेंद डाली थी और फुल टॉस भी थी, शायद उस फुल टॉस का हल उड़ा नहीं पाए तब तक गेंद निकली डॉट स्कोरबोर्ड जो कि बंदा हुआ 12 रनों पर। फिर एक बार पुल किया है, खिलाड़ी मौजूद है नहीं, जब तक गेंद पहुंचेंगे खिलाड़ी तब तक यहां पर दो रन बिल्कुल आसानी के साथ पूरे किए जाएंगे, दो रनों के साथ यहां पर स्कोरबोर्ड जो कि आगे पहुंचेगा इसी के साथ 1414 रन हमारे साथ। स्कोर की भूमिका में भूषण गरेकर, ये भी कल के दिन में इन एक्शन दिखाई देंगे ग्राउंड पर गिरोबा स्पोर्ट्स की टीम की ओर से। दरमियान स्कोर बना जो कि चार गेंदों के खेल के बाद 1414 रन। इस बार विद लॉन्ग द कारपेट ऑफ साइड पर गेंद को यहां पर ड्राइव किया है और इसी के साथ एक रन भी बनेगा और वो करेंगे स्ट्राइक रोटेट, 74 रनों का पीछा और पहली ओवर में 10 से ज्यादा रन, इससे अच्छी स्टार्ट और आप क्या मांग सकते हैं अपने ओपनिंग पैर से। टीम के कैप्टन जो कि बिल्कुल खुश यहां पर रहेंगे। उसके साथ यहां पर एक प्राइज भी आ चुका है शरद बांदिवडेकर के लिए, तीन गेंदों पर तीन छक्के लगाए तो शेखर आजगांवकर जिनकी ओर से 500 रुपए का इनाम। आखिरी गेंद इस ओवर की सामना करेंगे गणेश कलंगुटकर। गणेश इस बार ऑफ साइड पर ड्राइव करने का प्रयास किया था लेकिन पहले गेंद पर डिफेंसिव स्ट्रोक कन्वेंशनल करने का प्रयास किया था इस बार, लेकिन इसके साथ पहली ओवर समाप्त होती हुई, पहली ओवर में महंगे साबित हुए हैं। फिर एक बार अपनी स्ट्रेटजीज यहां पर प्लान करनी होगी, अनिकेत देसाई एक बहुत बड़ा रोल अदा करेंगे टीम के कैप्टन के तौर पर, देखना पड़ेगा किस गेंदबाज के हाथों में गेंद थमाई जाएगी। देखेंगे स्कोर पर जो कि अब तक बनता हुआ 1515 रनों पर 74 रनों का पीछा करना है और बिल्कुल जो कि अगर आने वाला इक्वेशन अगर देखा जाए तो बिल्कुल आसान काम बना दिया है यहां पर 59 टू विन आने वाली जो कि 30 गेंदों पर 30 गेंदे और 59 रन। पहले ही ओवर में यहां पर दबाव बनाया गेंदबाजों पर और उस दबाव के नीचे क्या बगे की टीम भी गिरेगी। प्रीतेश वरुडकर लेकर आएंगे दूसरा ओवर, इनके पास भी रेस्ट्रिक्शंस है, सिर्फ तीन खिलाड़ी है 30 यार्ड सर्कल के बाहर, प्रसाद किनरेकर दिखाई दे रहे हैं ऑफ साइड पर, लॉन्ग ऑफ पर थोड़े से वाइड इस रीजन में नितेश कांबड़ी खड़े हैं लॉन्ग ऑन पर और इसके साथ डीप मिड विकेट पर भी है खिलाड़ी, ये जो कि फील्ड सेट शरद के लिए। हटकर खेलने का प्रयास किया था यहां पर और ये यहां पर वाइड का इशारा आता हुआ, स्कोरबोर्ड जो कि इसी के साथ आगे बढ़ेगा 16 रनों पर 16 रन ऑन द स्कोरबोर्ड। प्रीतेश की पहली गेंद थोड़ी सी यहां पर अपने लाइन से भटकते हुए अंपायर ने दंडित किया एक रन के साथ। इसके साथ यहां पर देखेंगे क्या ये नो का बिल्कुल यहां पर इशारा आया है, प्रसाद ने कैच तो मुकम्मल किया लेकिन ये आप क्या कर रहे हैं, रन आउट है यहां पर, अंपायर का क्या आएगा फाइनल डिसीजन देखेंगे। जी हाँ बिल्कुल नो का इशारा है लेकिन नो में गणेश क्या कर रहे थे, दौड़ने की जरूरत क्यों थी आपको, बिल्कुल आपके पास सोने पे सुहागा था आने वाली गेंद पर फ्री हिट, ये रन लेने की जरूरत थी नहीं, इस गेंद पर देखा जाए तो बिल्कुल यहां पर नो और एक रन बना, स्कोर आगे पहुंचेगा 18 रनों पर। आने वाले बल्लेबाज के लिए रहेगी बिल्कुल यहां पर फ्री हिट की गेंद। पर इस मैच में पैनी निगाहें उनकी भी बिल्कुल इन दोनों टीमों के साथ भी वो भिड़ेंगे आने वाले समय में, चौकन्नी निगाहें यहां पर हमारे दोनों अंपायर्स की, नो का इशारा आता हुआ, नए बल्लेबाज मयूरेश जामदार स्ट्राइकर साइड पर रहेंगे।
फ्री हिट की गेंद और इस बार सीधा हाथ में गेंद और फिर एक बार नो। यहां पर पहला बीमर है और दो कंसेक्यूटिव नो डाले हैं, एक और रन भी मिलेगा। यहां पर आपने चार रन ऐसे ही बोनस में दे दिए बिना कोई गेंद डाले। स्कोर बोर्ड जो कि पहुंचा 20 रन। फिर एक बार बैक टू बैक फ्री हिट और फ्री हिट भी किस बल्लेबाज को जो पहली दो गेंदों पर दो बड़े शॉट लगा चुका है, शरद मांदवडेकर ऑन स्ट्राइक। स्कोर बोर्ड बना 20 पर। फिर एक बार फ्री हिट, फील्ड सेट में बदलाव किया जा रहा है, यानी कि देसाई बिल्कुल यहां पर करते हुए फील्ड सेट में बदलाव। इस बीच फुल टॉस गेंद, खिलाड़ी दर्शक ही बनेंगे इस शॉट पर, तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। डगआउट से सेट होकर आए हैं शरद बांदिवडेकर। हर गेंद का जो सवाल पूछा जा रहा है उसका सिर्फ एक और एक जवाब शरद के पास, बड़ा शॉट। स्कोरबोर्ड जो कि पहुंचा 26। अगर और दो गेंदों पर दो बड़े शॉट लगाए तो बिल्कुल शेखर आजगांवकर जी की ओर से यहां पर ₹500 का इनाम शरद बांदिवडेकर के लिए। एक बार फुल टॉस पुल किया है, निज निदेश कामड़ी है और बिल्कुल उनका भी प्रयास यहां पर पानी फिरते हुए। बिल्कुल कल के दिन योगेश परब ने वहां पर बिल्कुल बढ़िया फील्ड किया था, वो बड़ा शॉट बिल्कुल रोका था, लेकिन आज यहां पर बड़ा शॉट, अगर एक और बड़ा शॉट लगाया तो यहां पर ₹500 का इनाम विनायक शेटकर जी की ओर से। स्कोरबोर्ड जो कि बना 32 32 रनों पर, और जीतने के लिए चाहिए 42 रन आने वाले 27 गेंदों पर। शरद बांदिवडेकर ऑन फायर, यहां पर चार शॉट इनके बल्ले से, अगर इंडिविजुअल स्कोर का देखा जाए तो 27 रन उनके बल्ले से बन चुके हैं। एक और बड़ा शॉट लगा दे तो बिल्कुल यहां पर ₹500 का इनाम के हकदार बनेंगे शरद बांदिवडेकर। फिर एक बार फुल टॉस गेंद, ये शॉट फंसा है नीचे, खिलाड़ी क्या है, बिल्कुल ये भी गेंद जाएगी शायद से, देकर पूरे 6 रन और फिर एक बार नो। इस ओवर को जरूर भूलना चाहेंगे यहां पर गेंदबाज। दूसरा बीमर भी यहां पर हो चुका है, इसका मतलब बॉलिंग में भी यहां पर परिवर्तन किया जाएगा, जो कि स्कोर बनेगा यहां पर 7 रन मिलेंगे आपको, इसका मतलब 39 रन बनेंगे यहां पर। स्कोर बोर्ड के बनता हुआ 39 रन, इसका मतलब लक्ष्य से बहुत बिल्कुल जो दूर खड़े थे, इन दो शॉट्स ने यहां पर पास लाकर खड़ा कर दिया है। 27 गेंदे और 35 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए, 27 बॉल्स एंड 35 रन टू विन यहां पर। उसी के साथ यहां पर अगर देखा जाए तो सिर्फ दो ही गेंदे यहां पर डाल चुके हैं, इसका मतलब 28 गेंदे यहां पर बचेंगे आपके पास और 35 रन चाहिए। अगर इस ओवर का टर्न अगर देखी जाए तो वाइड नो बॉल पर सिंगल और एक विकेट, इसी के साथ नो बॉल और सिंगल, फिर 6-6 एक और नो बॉल और उस गेंद पर भी एक बड़ा शॉट शरद बांदिवडेकर के बल्ले से। अब तक अपने इंडिविजुअल 33 रन पर खेलते हुए प्राइस के हकदार बिल्कुल होते हुए। अनिकेत देसाई, अब इन्होंने जिम्मेदारी संभाली है, खुद कैप्टन को आना पड़ा है। बिल्कुल हाल ही में केपीएल में उन्होंने बिल्कुल अच्छी बॉलिंग की थी अपनी टीम की ओर से उस प्रीमियर लीग में, तो अब भी जिम्मेदारी उठाई अपनी टीम की। बड़ा शॉट लगाने की कोशिश इस बार लेकिन नाकामयाब, एक रन ही बनेगा। इसी के साथ स्कोरबोर्ड आगे पहुंचेगा 40 रन स्कोरबोर्ड पर। शरद ने यहां पर जिम्मेदारी उठाई है, बीड़ा उठाया है अपनी टीम का, वजन लिया था पहली गेंद पर से। इसी के साथ फिर एक बार गेंद थोड़ी देर के लिए हवा में थी जरूर, लेकिन एक रन तो रोक नहीं पाएंगे। ये ओवर बहुत ही लंबा जाता हुआ, बिल्कुल महंगा ये ओवर, पहली ओवर का देखा जाए तो बिल्कुल यहां पर 13 रन बने थे और ये भी ओवर बहुत ही महंगा जाता हुआ।
लोअर फुल टॉस गेंद थी, इस बार खेल दिया लेग साइड पर, बिल्कुल स्लॉग स्विप करने का प्रयास किया था लेकिन सिर्फ एक रन बनेगा क्या दो रन की गुंजाइश, जी नहीं शरद ने रोका वहां पर। अब टीम बिल्कुल एक बढ़िया सेट फॉर्म तक पहुंच चुकी है, अब इस प्लेटफॉर्म से यहां पर वो विकेट खोना नहीं चाहेंगे, स्कोर बढ़ चुके आगे जाएगा 42-42 रनों पर। आगे आए ओवर कवर्स, लॉन्ग ऑफ दिशा में गेंद को खेल दिया, लॉफ्टेड शॉट मयूरेश जानदार की ओर से और उसके साथ बिल्कुल एक बढ़िया थ्रो, लेकिन दो रन तो रोक नहीं पाएंगे बिल्कुल, और दो रनों के साथ अब जाकर एक बड़े समय के बाद यह ओवर समाप्त होता हुआ, शायद से इस पूरी प्रतियोगिता का सबसे लंबा यह ओवर और सबसे महंगा भी शायद दिया जाएगा। बिल्कुल यहां पर 10 गेंदें डाली है, 44 रन ऑन द स्कोर बोर्ड, 29 रन आए इस ओवर में, मतलब यहां पर लगभग आधा काम तो कर दिया इस एक ओवर ने, इसको जो कि बना 44, मतलब आने वाली जो कि यहां पर गेंदें बचेंगी 24 और जीतने के लिए चाहिए 30 रन आने वाले समय में, 24 गेंदें और 30 रन इस मैच को जीत से पीछे। नीतीश कामड़ी फिर एक बार इनके ऊपर जिम्मेदारी दी गई है, शरद नाम की गाड़ी यहां पर किसी भी प्लेटफॉर्म पर रुकने का नाम नहीं ले रही, हर जो गेंदबाज आया है उस पर अटैक जारी किया है, उनका इंडिविजुअल का स्कोर कार्ड देखा जाए तो 5 बड़े शॉट लगा चुके हैं। फिर एक बार बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, यहां पर गेंद गई बैकवर्ड रीजन में, गेंद हो फील्ड हो पाएगी लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बिल्कुल थोड़ा सा दूर, वहां पर 30 यार्ड सर्कल के बिल्कुल बाहर, तब तक दो रन आसानी के साथ बनेंगे, इसको वो जो कि पहुंचेगा इसी के साथ 46-46 रनों पर। गणेश कलंगुटकर ने थोड़ी सी यहां पर जल्दबाजी की उन क्राउन का विकेट, लेकिन फिर भी यहां पर बढ़िया पार्टनरशिप पनपती हुई इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में। इस बार डाउन द ग्राउंड गए, मिड ऑन के बिल्कुल यहां पर ऊपर से गेंद जाएगी मिड विकेट के क्षेत्र में, तब तक फिर एक बार एक रन। इस बार यहां पर रितेश कामड़े ने बिल्कुल बढ़िया स्टार्ट की है, जो दबाव उन पर डाला गया था पहली ओवर में उस दबाव को बिल्कुल भूल चुके हैं, नई सिरे से फिर एक बार बॉलिंग बांध कर रखा है, अब तक बड़े शॉट से दूर भी रखा है दोनों ही बल्लेबाजों को, स्कोर बोर्ड जो कि आगे पहुंचा 47-47 रनों पर। मगर ये शानदार डिफेंसिव स्ट्रोक यहां पर, जानते हैं सामने वाला बल्लेबाज फॉर्म में आ चुका है तो उन पर स्ट्राइक देना ये बिल्कुल बढ़िया बात रहेगा, और उसी के साथ एक रन भी खाते में जुड़ेगा तो क्यों ना सिंगल लिया जाए। स्कोर बोर्ड पहुंचा 48-48 रनों पर। अब तक क्या ये ओवर बिल्कुल अच्छा जाता हुआ आरवी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बढ़िया गेंद यहां पर यॉर्कर्स लेंथ पर यहां पर खोद के निकाला, बिल्कुल यहां पर अगर बैट और बल्ले का संपर्क ना हो पाया तो शायद से शरद के लिए बुरी खबर थी। स्कोर जो कि पहुंचा 49 इस मैच में, 49 रन स्कोर बोर्ड पर। बड़ा शॉट डाउन द ग्राउंड, फील्डर मौजूद और बिल्कुल फील्डर के हाथों में सीधा गेंद जाएगी, बड़ा शॉट लगाने का प्रयास किया था, इक्वेशन भी बदलेगा यहां पर, 19 गेंदे और जीतने के लिए 25 रन, 19 डिलीवरी एंड 25 रन टू विन, 74 रनों का यह मुकाबला। शायद लग रहा था कि यहां पर दबदबा बनाएगी आरवी लेन कुरगांव की टीम, लेकिन पहले ही गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के बाद यहां पर सारे सवालों को नेशनाबूद कर दिया अपनी बैटिंग से। शरद बांदोडकर बिल्कुल यहां पर बढ़िया तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, उनके बल्ले से देखा जाए तो यहां पर टोटल 5 बड़े छक्के लग चुके, उसी के साथ सिंगल डबल भी यहां पर बना रहे हैं, 39 रन उनका इंडिविजुअल स्कोरबोर्ड। अभी जीतने के लिए चाहिए कुल 25 रन, 25 रन चाहिए और उनका इंडिविजुअल स्कोर 39 हो चुका है, तो क्या कल जो ने देखा प्रतीक गवंडे की ओर से, क्या आज भी वही देखने का अवसर प्राप्त होगा इस ग्राउंड पर, बिल्कुल देखने वाली बात रहेगी। फर्क नहीं पड़ता कितने भी रन बनाए, जो भी रन उन्होंने बनाए हैं अपनी टीम के खाते में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि पहली ओवर नितेश कांबड़ी जैसे एक मजे हुए गेंदबाज के खिलाफ अटैक करना आसान नहीं रहता, मानसिकता बिल्कुल यहां पर डिफेंसिव हर बल्लेबाज की रहती है जब ये गेंदबाज सामने होता है, लेकिन फिर भी इसके जैसे बिल्कुल एक प्रभावशाली गेंदबाज के खिलाफ अटैक जारी किया, और जो मोमेंटम यहां पर रखा है शरद ने उस मोमेंटम को भी जारी रख रहे हैं नए बल्लेबाज सर्वेश नाइक।
द मैच फिनिशर को यहां पर भेजा गया है टीम कैप्टन द्वारा। लेग साइड पर अब जो कि फील्ड साइड बदला जाएगा क्योंकि अब हम देख सकते हैं एक लेफ्ट हैंडेड खिलाड़ी इक्वेशन अगर बोलूं तो बिल्कुल यहां पर 25 रन जीत से पीछे है। आपके पास गेंदे बची है 19 नितेश के स्पेल का ये आखिरी ओवर आखिरी गेंद। हल्के से गेंद को डोला है एक रन तोसने के साथ बनेगा दूसरा रन। शरद ने यहां पर सीधा रोका है जी नहीं इस बार रिस्क नहीं लेंगे हम। इसी के साथ समाप्त होते हुए जो कि तीसरा ओवर और 50 रन स्कोरबोर्ड पर पूरे यहां पर निरावड़ा स्पोर्ट्स टीम के यहां पर 50 रन ऑन द स्कोरबोर्ड हाफ सेंचुरी इनके टीम के लग चुके हैं। यहां पर सर्वेश नायक ने अपना खाता खोला है ऑफ द मार्क निकले हैं 18 गेंदे और जीत से पीछे है 24 रन। देखना पड़ेगा क्या होगा इस मैच का अंजाम। देर कर दी स्कोरबोर्ड जो कि यहां पर बनता हुआ 18 रन स्कोरबोर्ड के 25 रन 24 रन इस मैच के बिल्कुल जीत से पीछे। हटकर खेले इस बार फील्डर भी मौजूद नहीं है वहां पर। जब तक गेंद पर पहुंचेंगे तब तक यहां पर सर्वेश 2 रन आसानी के साथ जोड़ेंगे अपने टीम के खाते में अपने इंडिविजुअल स्कोर बोर्ड में भी। यहां पर स्कोर के बनता हुआ 52 रन। सनम भंडारकर लेकर आएंगे यहां पर ओवर नंबर 4। फील्ड साइड यहां पर किस प्रकार की जाएगी सर्वेश नायक के लिए ये भी ताबड़तोड़ बैटिंग के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल सनम के हाथों में गेंद है पहली गेंद पर निकले हैं 2 स्कोर बोर्ड पहुंचा 52। ऑफ साइड पर स्क्वायर कट करने का प्रयास किया था ये बिल्कुल बाल बाल बचे हैं यहां पर। अगर गेंद थोड़ी सी भी और उछलती तो बिल्कुल वहां पर इनके देसाई पैनी निगाहें उनकी रहती है विकेट कीपर की भूमिका में। और अब बहुत बड़े इंतजार के बाद यहां पर स्ट्राइकर सेंड पर शरद आएंगे स्कोरबोर्ड जो कि बनेगा 53 रनों पर। इसका मतलब जिससे पीछे है और कुल 21 रन 21 मोर रन टू विन। आने वाली गेंद बची है 16 गेंदे और 21 रन ये जो कि बचा हुआ इक्वेशन है। अभी भी दोनों ही टीमों के पास मैं कहूंगा इक्वल चांसेस है इस मैच को जीतने के लिए। एका दूसरा विकेट निकला बिल्कुल आरवी 11 कुड़गा वापस ड्राइवर सीट पर। अगर फिफ्थ गियर पर ये गाड़ी चलते रही शरद बांदेवडेकर की तो बिल्कुल यहां पर ड्राइवर सीट पर रहेगी निरावड़ा स्पोर्ट्स। क्या होगा इस मैच का अंजाम क्या होगा नतीजा बिल्कुल इस ओवर में भी यहां पर बरकरार रहेंगे क्या मोमेंटम शरद अपना। यहाँ पर ऑफ साइड पर बिल्कुल यहाँ पर बहुत बाहर थी वाइड गेंद थी जरूर लेकिन यहाँ पर बल्ले और गेंद का संपर्क करने का प्रयास किया था डॉट गेंद। यही तो गेंदे आपको चाहिए यही गेंदे आपको मदद करेंगी अगर आपको इस मैच में जीतना है तो। 15 गेंदे और 21 रन बड़ा शॉट क्या आया है फील्डर नीचे हो रहे हैं जवा और इसी के साथ यहां पर बिल्कुल बढ़िया कैच और जो विकेट चाहिए था। क्या ये मैच का टर्निंग पॉइंट है क्या ये इस मुकाबले का गेम चेंजिंग मोमेंट बन सकता है। जो विकेट चाहिए था बड़ी मछली जाल में शरद बांदेवडेकर जाएंगे बैक टू द पवेलियन 39 रनों का इंडिविजुअल स्कोर कर बनाते हुए। अभी भी जीतने के लिए चाहिए आने वाली गेंदें बची है कुल 14 और 14 गेंदों पर चाहिए 21 रन 14 डिलीवरीज एंड 21 रन टू विन इस मैच में। शरद बांदेवडेकर बिल्कुल इनका अच्छा योगदान जो अपनी टीम के लिए बिल्कुल बढ़िया किक स्टार्ट दिया जो अच्छी शुरुआत चाहिए थी तालियों के
और अब शरद की जगह लेने के लिए बिल्कुल उनके भाई यहां पर ओमकार मांदुड़ेकर जाएंगे। सनम के कंधों पर जिम्मेदारी सौंपी, यानी कि देसाई ने उन पर विश्वास जताया कि ये खिलाड़ी मुझे विकेट लाकर देगा, और इसी खिलाड़ी ने उस विश्वास पर खरा उतर के जो विकेट चाहिए था, जो मछली यहां पर चाहिए थी, जो मैचिंग मोमेंट हो सकता था, वो मोमेंट, वो ब्रेक थ्रू, वो विकेट अपनी टीम के लिए दिलाया। और इक्वेशन यहां पर फिर एक बार बदलता हुआ, 14 गेंदे और जीतने के लिए 21 रन, जीत से पीछे नए बल्लेबाज स्ट्राइकर्स एंड पर। यहाँ पर डाउन द ग्राउंड शायद खतरे में थे, यहाँ पर आउटफील्ड को जरूर यहाँ पर शुक्रिया अदा करना पड़ेगा ओमकार को। बिल्कुल तेजी के साथ यहाँ पर फील्डर आ रहे थे और आउटफील्ड को बिल्कुल यहाँ पर लगकर गेंद ने अपना काटा बदला और स्कोरबोर्ड बना 55, जीतने के लिए चाहिए 13 गेंदे और 19 रन जीत से पीछे। आखिरी गेंद इस ओवर की, कट करने का प्रयास किया था यहाँ पर ऑफ साइड पर, लेकिन बिल्कुल यहाँ पर अंपायर सर कहते हुए गेंद आप मार सकते थे जरूर। इसी के साथ एक गेम चेंजिंग ओवर, क्या यही टर्निंग पॉइंट हो सकता है कि इस ओवर में आए मात्र 5 रन और 5 रनों पर एक विकेट निकला है। अगर ये विकेट किसी और बल्लेबाज का निकलता तो यहाँ पर जरा फर्क नहीं था, लेकिन ये विकेट निकला है शरद बांदुड़ेकर का। हम जो हमेशा कहते हैं एक विकेट होता है जो हमेशा बहुत बड़ा इंपैक्ट, बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकता है किसी भी मैच में, और वही इंपैक्टफुल विकेट अपनी टीम को दिलाया है गेंदबाज सनम भंडारकर ने। उनके बल्ले से बिल्कुल बढ़िया शॉट भी हमने देखे थे पहली इनिंग में, उन्होंने हमें अपने टीम के लिए बैट से योगदान दिया है, लेकिन उससे भी बढ़िया योगदान यहां पर उनका गेंद के साथ मच नीडेड विकेट अपनी टीम को दिलाई। विवेक लेकर आएंगे ये क्रूशियल 5वां ओवर, 12 गेंदे और जीतने के लिए यहां पर चाहिए 19 रन। डाउन द ग्राउंड यहां पर आए बिल्कुल यहां पर प्रसाद किनेकर, एक रन बनेगा स्कोरबोर्ड जो कि आगे पहुंचा 56, जीतने के लिए 11 गेंदे और 18 रन जीत से पीछे। और यहां पर रणनीतियां बनाएंगे हर गेंद पर, यहां पर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट कान मंत्र दिया जाएगा यहां पर के देसाई की ओर से। लेदर बॉल क्रिकेट हो या फिर डेस बॉल क्रिकेट, अनिकेत देसाई ने गोवा क्रिकेट का बहुत साल यहां पर इनका तजुर्बा, इनका अनुभव क्रिकेट की बहुत सारी उन्होंने सेवा की है, बिल्कुल वही अनुभव अब इस मैच में इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस बीच गेंद को जाने दिया है, नानाइक सर कह रहे हैं ये गेंद आपको दोबारा से डालनी पड़ेगी। स्कोरबोर्ड जो कि इसी के साथ पहुंचेगा 57 रन, इसका मतलब इक्वेशन भी यहां पर चेंज होगा, 17 रन इस मैच को जीत से पीछे और आपके पास गेंदें बची है 11। इस बार कैच क्या लिया जाएगा, कैच इट इज द कॉल जरूर यहां पर था और बिल्कुल कैच लिया है। एक और टर्निंग पॉइंट सर्वेश नाइक को बिल्कुल यहां पर अब जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, आउट हो चुका यहां पर ओमकार बांदुड़ेकर। बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, यहां पर हाफ अटेम्प्ट किया था, पूरी तरह से उस शॉट को कमिट नहीं हुए थे और उसी की वजह से यहां पर अपना विकेट दे बैठे। अब जो कि फिर एक बार इक्वेशन बदलेगा, जीतने के लिए चाहिए और 17 रन और आपके पास मात्र 10। बाबल मैकर नए बल्लेबाज की हैसियत से विवेक ने भी यहां पर काम कर दिया नए बल्लेबाज स्ट्राइक के सेट पर। फुल टॉस गेंद है, नीचे खिलाड़ी मौजूद है वहां पर और लेंगे एक बिल्कुल बढ़िया कैच। इसी बीच
फुल टॉस गेंद पर विकेट गवा बैठे। बिल्कुल ये क्रूशियल ओवर रहेगा, अगर इस ओवर में रन बने तो आखिरी ओवर के लिए आसान काम हो सकता है बैटर्स के लिए, लेकिन अगर इस ओवर में रन रोके जाए तो बिल्कुल वापस दबाव शिफ्ट होगा यहाँ पर नरोडा स्पोर्ट्स टीम के ऊपर। और वही काम किया विवेक ने, दो गेंदों पर दो बड़ी मछलियां जाल में, यहाँ पर ऑन अ पॉसिबल हैट्रिक विवेक भी है यहाँ पर, और इको में बदलाव किया जाएगा। 9 गेंदे और जीतने के लिए 17 रन, 9 डिलीवरीज एंड 17 मोर रन्स टू विन इस मैच में। नौ गेंदे जीतने के लिए 17 रन। यहां पर अंपायर के बिल्कुल बगल से इस गेंद को ढकेला है, नीचे है खिलाड़ी, बिल्कुल सुनम आएंगे स्क्रीन पर, करेंगे थ्रो। और अब जो भी करना है इस बल्लेबाज को करना है, सर्वेश नायक टीम के मैच फिनिशर है और अब मैच फिनिशिंग का रोल इस गेंद पर अदा करना पड़ेगा। 18 गेंदे और जीतने के लिए चाहिए 16 रन इस मैच को जीतने के लिए, 16 बिल्कुल यहां पर रन चाहिए और आपके पास गेंदे बची है बिल्कुल 8 गेंदे 16 रन, इसका मतलब हर गेंद पर यहां पर 2 रन का औसत बरकरार करना पड़ेगा सर्वेश नाइक के लिए। बिल्कुल अनिकेत देसाई फील्ड सेट करते हुए, जानते हैं कितने घातक सर्वेश नाइक हो सकते अगर इन्हें मौका दिया जाए तो। हाउस रेड की अपील, बहुत बड़ी शाउट वहां पर अनिकेत देसाई की ओर से, लेकिन कोई प्रभाव नहीं, बॉलर ने अपील भी नहीं किया था वहां पर, कुछ ज्यादा ही एक्साइटमेंट अनिकेत का, बिल्कुल जानते हैं ये एक्साइटमेंट होनी चाहिए, हर गेंद पर अगर विकेट मिले तो बिल्कुल दबाव बनेगा। 15 रन जीत से पीछे है और आपके पास है सिर्फ 7 गेंदे और 15 रन, एक क्रूशियल गेंद है इस मैच में, इस मैच पर यहां पर शायद से प्रभाव बनेगा। बड़ा शॉट आया है, नीचे है खिलाड़ी नितेश कांबी और बिल्कुल यहां पर उन्होंने कोई गलती नहीं की, गेंद को रोका सक्सेसफुली और बने बिल्कुल आराम के साथ 2 रन। तो ये है इक्वेशन इस मैच का, इस मैच का अंजाम क्या होगा इस आखिरी ओवर में पता चलेगा। जीतने के लिए चाहिए 13 रन और आपके पास गेंदें बचेंगी 6, ये एक ओवर, ये आने वाली 6 गेंदे सिर्फ गेंदे नहीं, ये भविष्य बताने वाले बॉल्स रहेंगे, भविष्य किस टीम बिल्कुल यहां पर इस मैच को जीतेगी। इन दोनों टीमों का ये पहला ही मैच है और पहला मैच अगर आप जीतते किसी भी लीग फॉर्मेट में तो बिल्कुल आपका कॉन्फिडेंस पीक लेवल पर रहता है। और यहां पर अनिकेत देसाई ने किस गेंदबाज के हाथ में यहां पर गेंद थमाई है, विकेट टेकिंग सनम भंडारकर के हाथों में, उसी के साथ अनुष केरकर और निखिल गडेकर की भी कमी यहां पर जरूर खलती हुई इस मैच में, बिल्कुल दो बढ़िया ऑलराउंडर्स इस मैच में मिस आउट हुए, महेश भाटकर भी थोड़ी सी देरी से पहुंचे। सर्वेश नायक बिल्कुल बढ़िया गेंद यहां पर सीधा जड़ों में डाले हुई, सर्वेश नायक अटेम्प्ट करेंगे यहां पर दूसरे रन के लिए यहां पर, और यहां पर खराब कलेक्शन अनिकेत देसाई और वापस जाना पड़ेगा, अंपायर का इशारा बिल्कुल यहां पर आउट जी, कुछ भी।
12 रन इस मैच को जीतने के लिए। विकेट कुल यहां पर 5 गिर चुके हैं इसी बीच। ये फुल टॉस गेंद थी, बिल्कुल यहां पर मिस आउट किया, अपने विकेट सैक्रिफाइस करेंगे जरूर और ये छठा विकेट भी जरूर यहां पर जाएगा। 6 विकेट्स डाउन इसी बीच, ये छठा विकेट यहां पर जाता हुआ, आने वाले जो कि यहां पर गेंदें बचेंगी 4 और 4 गेंदों पर बिल्कुल चाहिए यहां पर जीतने के लिए 12 रन। अगर इस मैच का, इस इनिंग का अगर टर्निंग पॉइंट देखा जाए तो बिल्कुल शरद बांदिवडेकर का वो विकेट गई और उसके बाद यहां पर सरवाइव नहीं कर पाई है अब तक, उस बड़े नुकसान से यहां पर कमबैक नहीं कर पाई और बाकी का काम यहां पर अनिकेत देसाई और उनके सभी फील्डर्स ने कर दिया। जिस भी फील्डर के पास गेंद गई बढ़िया फील्डिंग की, बढ़िया कैचेस लपके वहां पर और उसी की बदौलत ये मैच बिल्कुल इस स्थान पर आकर पहुंच चुका है। बिट्टू यहां पर नए बल्लेबाज की हैसियत से आएंगे। मैच बिल्कुल ऑन है दोनों टीमों के लिए, इलेक्ट्रिफाइंग, दिल की धड़कन बढ़ाने वाला यह मैच। अगली गेंद लोअर फुल टॉस गेंद थी, पुल किया है लेग साइड पर विथ अलोंग द कार्पेंटेज कामली बहुत ही देर के साथ, बिल्कुल बढ़िया थ्रो पर, सटीक थ्रो वहां पर और अनिकेत देसाई बिल्कुल वहां पर शायद गैदर में यहां पर थोड़े से चूके। नितेश कांबड़ी जिस स्पीड से वहां पर खड़े थे वो लॉन्ग ऑन पर आए बिल्कुल वहां पर मिड विकेट के एक क्षेत्र में और उसी के साथ वहां पर बिल्कुल एक बढ़िया थ्रो। वाइड इस रीजन में खड़े हैं जरूर, बिल्कुल सुपर मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में खड़े थे और बिल्कुल 38 सर्कल के बिल्कुल नजदीक आए। स्कोर बोर्ड जैसे के साथ बढ़ेगा दोनों के साथ, आने वाली 3 गेंदे और जीतने के लिए चाहिए 10 रन इस मैच में। गेंद सीधा ऊपर गई है और इसी के साथ गेंद डॉट भी गई है, जी नहीं यहां पर विकेट मिलेगा, यहां पर आपको विकेट मिलेगा, अंपायर की उंगली खड़ी हो गई है। 7 विकेट यहां पर निकलता हुआ, विकेट का इस बार कोई महत्व नहीं है, इस बार महत्व है तो सिर्फ 2 बड़े शॉट्स का। स्कोरबोर्ड बन चुका है 64, आपको जीतने के लिए चाहिए बिल्कुल 2 बड़े शॉट, 2 गेंदें बची हुई है, 10 रन आपको लगाने पड़ेंगे अब इस स्कोरबोर्ड पर। और अगर पहली अगर मैच में अगर देखा जाए, सॉरी माफ कीजिए, पहले इनिंग में अगर देखा जाए तो पीयूष ने जो आखिरी ओवर डाला था और वो जो 3 बड़े शॉट नितेश कांबड़ी ने लगाए वो भी इस मैच में क्रूशियल फैक्टर बन के उभरे हैं। नितेश कांबड़ी ने पहली इनिंग के आखिरी ओवर में 3 गेंदों पर 3 बड़े छक्के लगाए थे और शायद से वही रन रह गए इस आखिरी ओवर में, लेकिन फिर भी यहां पर शरद बांदिवडेकर ने बिल्कुल अच्छा काम किया था, लेकिन उनके बाद कोई खिलाड़ी उनका साथ नहीं दे पाया और ये मैच अब इस क्रूशियल स्थान पर आकर रुक चुकी है। आने वाली जो कि गेंदें बचेंगी बिल्कुल 2 और 2 गेंदों पर चाहिए 10 रन। स्ट्राइकर साइड पर सर्वेश बांदिवडेकर, नए बल्लेबाज स्ट्राइकर साइड पर जाएंगे कौस्तुभ। इस बार गेंद ये डॉट गई है, अब एक लीगल डिलीवरी, कुछ भी करना है बस नो ओवर वाइड नहीं डालना है, एक लीगल डिलीवरी और सनम भंडारकर बिल्कुल यहां पर एक मैच विनर की तरह उभरेंगे। एक क्रूशियल मोमेंट पर आए बॉलिंग के लिए, तीसरी ओवर डाली, चौथी ओवर और उसके साथ ये छठा ओवर में एक गेंद और 2 रन जीत से पीछे। और इसी के साथ हजर पर की अपील और इसी के साथ यहां पर औपचारिकताएं समाप्त, एक कांटे की टक्कर आखिरी गेंद तक ये मुकाबला गया और इस मैच को जीतती हुई आरवी 11 कोरेगांव। शरद बांदिवडेकर ने बिल्कुल यहां पर प्रयास किया था लेकिन उनके विकेट के बाद यहां पर पूरी मैच घूमती हुई आरवी 11 कोरेगांव टीम के पक्ष में और इस मैच को जीतती हुई आरवी 11 कोरेगांव गिरोबा दूषक डे 3 दूसरा मैच। द सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।
हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब